नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश में चुनाव नतीजे के बाद भाजपा में जहां मुख्यमंत्री को लेकर राजनीति गर्म हो रही है, तो वहीं इंदौर में शहर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने आज कहा कि बीजेपी को कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। दरअसल इंदौर शहर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने अपने निवास पर मंगलवार को एक प्रेस वार्ता की, जहाँ उन्होंने कहा कि इंदौर सहित पूरे प्रदेश के जो चुनाव नतीजे आए हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी होने की बात कही। प्रमोद टंडन बोले कि 18 साल की वादा खिलाफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी सहित तमाम मुद्दों को लेकर ये चुनाव हुए जहां परिणाम चौंकाने वाले हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दलों ने शहर की अनदेखी की है, लिहाजा इंदौर के विकास और शहर हित के लिए इंदौर का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। टंडन आगे बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हालांकि इस मामले में टंडन ने यह भी कहा कि वो राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर ये बात कह रहे हैं, वो इंदौर शहर का विकास चाहते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस नेता प्रमोद टंडन बीते उपचुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, वहीं हाल ही में हुए चुनाव के पूर्व पुनः कांग्रेस में आए हैं। अभी बोला कि चमत्कार है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी इस बात का भरोसा नहीं था कि हम 9 सीटें जीतेंगे। आज सच्चे वाले आकलन करने वाले इंदौर में कम से कम 4 सीटें दे रहे थे, जयपालपुर 3 नंबर, 5 नंबर रहू, और जो संख्या आई है हजारों में वो संख्या अविश्वसनीय है, प्रासंगिक नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि तकनीक की दृष्टि से कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। यदि ईवीएम में जो भी होता है, यदि हम योजनाओं की बात करें, तो क्या योजनाएं अशोक गहलोत की अच्छी नहीं थी? क्या योजनाएं भूपेश बघेल की अच्छी नहीं थी? तो या तो ये मत कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हुआ है, कहीं ना कहीं इस देश को जो बीजेपी का उद्देश्य है हिंदू और मुसलमान में बांटने का, या तो बीजेपी उसमें सफल हुई है, लेकिन ऐसा अंडरकरेंट होगा ये भरोसे के लिए किसी के भी गले के नीचे नहीं उतर रहा। यानी लग रहा है सीधा ईवीएम में गड़बड़ी, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, ईवीएम में है, तकनीक में है। भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 130 बोल रहा था और 163 समझ के बने। तो कैलाश जी की आपने बात की, नहीं मेरी कोई मैं तो इंदौर से लड़ाई लड़ने की बात कर रहा हूँ। मेरा कोई कैलाश जी से ना बात हुई है ना आगे होगी। मैं तो इंदौर को चाहता हूँ कि इंदौर को मुख्यमंत्री नहीं मिला है। कांग्रेस को भी, मैं तो कांग्रेस को ही कह रहा हूँ कि इंदौर का दोहन कांग्रेस ने किया। इंदौर के मुख्यमंत्रियों ने इंदौर का दोहन किया और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने भी इंदौर के प्रति अनदेखी करी है। यदि इंदौर का मुख्यमंत्री बनेगा तो इंदौर विकास की नई परिभाषा गढ़ेगा और कैलाश जी सबसे वरिष्ठ है, जीत के आए और इस देश में कैलाश जी मुख्यमंत्री की दौड़ में है, तो कैलाश जी बनते हैं तो इंदौर के लिए शुभ संकेत हो। विश्लेषण करने वाले, अनुमान करने वाले, पूर्वाभास करने वाले किसी भी व्यक्ति को अभी तक इन नतीजों पे भरोसा नहीं हो रहा है। 18.5 साल की सरकार, कुछ महीनों पहले आई लाडली बहना, किसानों के खिलाफ की गई वादा खिलाफी, बेरोजगारी चरम पर, तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि ऐसे नतीजे आएंगे। ये निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बात इंदौर के संबंध में करना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद जब से मध्य प्रदेश बना है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, उसने इंदौर के लिए जितना इंदौर देता है उतना इंदौर को दिया नहीं। इंदौर के विकास में अहम भूमिका इंदौर के व्यापारियों की, सामाजिक संगठनों की, निजी संस्थाओं की रही है।
इसमें कांग्रेस ने भी इंदौर को अनदेखा किया और भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज परिस्थितियां इस तरह की हो गई है कि वर्षों से इंदौर मुख्यमंत्री इंदौर का बने इसकी राह देख रहा है। आज मैं कांग्रेस के नाते नहीं लेकिन इंदौर के नागरिक के नाते ये बात कह रहा हूँ कि इंदौर को मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। इंदौर सबसे ज्यादा राजस्व देता है, इंदौर आर्थिक राजधानी है, इंदौर सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। तो नरेंद्र मोदी जी आप विचार करिए और इंदौर को मुख्यमंत्री दीजिए। आज कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के सबसे वरिष्ठ नेता है और चुनाव जीत के आए हैं। मैं कांग्रेस के नाते नहीं लेकिन नागरिक होने के नाते यदि कैलाश विजयवर्गीय को ये मौका मिलता है तो इंदौर विकास की नई गाथा लिखेगा, नई इबारत लिखेगा, नई परिभाषा लिखेगा, क्योंकि तो मुख्यमंत्री के पास असीमित अधिकार होते हैं योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए। तो कैलाश विजयवर्गीय यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो इंदौर का सम्मान बढ़ेगा। मैं इंदौर के नागरिकों से, इंदौर के व्यापारिक सामाजिक धार्मिक सभी लोगों को इस बात का आह्वान करता हूँ कि राजनीतिक चश्मे से नहीं लेकिन इंदौर के हक में हमें कैलाश विजयवर्गीय के लिए नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहिए। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इंदौर पिछले कुछ सालों से पॉलिटिकल पैरालिसिस का शिकार हो गया है। हमें एक होना चाहिए इंदौर के विकास के लिए, इंदौर के मास्टर प्लान के लिए, इंदौर की प्रगति और विकास के लिए। हम सब एक हों और अपने हक की लड़ाई लड़ें। इंदौर अब अपने ऊपर अन्याय सहन नहीं करेगा। मैं इंदौर के नागरिक होने के नाते आज इस बात की घोषणा करता हूँ कि इंदौर के हित में राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ के मैं इस लड़ाई में अपने आप को सहभागी बनाऊंगा और इंदौर की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे विकास और प्रगति। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।